हेलो एंड वेलकम टू पीजी रिएक्ट्स। मुझे प्रेम में आ जाने दो। ओके, सो आज के एपिसोड में हम रिएक्ट करने वाले एक विचित्र से शॉर्ट फिल्म एनिमेटेड वीडियो को, एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म को। मैं क्या बातें कर रहा हूँ यार, आजकल मेरी खुद ही की बातों पर खुद ही का नियंत्रण नहीं है। क्या बात है, वाह, हिंदी शब्द, प्योर हिंदी शब्द। ओके, नो सो ये आज के एपिसोड में हम एक अलग ही एपिसोड को रिएक्ट करने वाले हैं। वाह, आज के एपिसोड में हम अलग ही वीडियो को रिएक्ट करने वाले हैं। आई होप तुम्हें वो पसंद आएगा। आई थिंक अल्बेट्रॉस, हाँ अल्बेट्रॉस ही नाम है उसका, मैं भूल गया, टाइटल में देख लेना यार, वही तो लिखा होगा। तो ये एंजॉय करो, काफ़ी अलग है एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म। होप भी मुझे तो काफ़ी पसंद है देखना, एंड आई होप कि तुम्हें भी काफ़ी पसंद आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई, ठीक है। मैं आई थिंक दैट्स इनफ फॉर द इंट्रो, आई थिंक सो, आई डोंट नो। आई थिंक कल हमने फैट देखा था एंड आज हम देख रहे हैं अल्बेट्रॉस, जो एक संदेश टाइप का चीज़ होता है। तुम्हें पता ही होगा कि शॉर्ट एनिमेटेड फिल्म्स में कुछ ना कुछ संदेश वंदेश होता है। संदेश डिश का नाम है क्या बंगाली? ओके, जाने दो। एंड ये दैट्स इट फॉर दिस इंट्रो। देखो, एंजॉय करो, एंड वीडियो कैसा लगे यार देखो यार। Let's jump right into it. Gusso! Okay, चलो। Albatross. ठीक है भाई, दिखाओ क्या विषय। अरे भाई वेस्ट हो गई यार बाटली। क्या देख रहे हैं भाई हम? बहुत माल है अपन के पास। ओके, क्या चल रहा है? फिशिंग। क्या है भाई, मतलब ओके, शांति धीरे धीरे समझ में आ ही जाएगा। एनवायरनमेंट काफी सही है। वाओ, नयन सुखद। फिशिंग भाई है ही, मतलब पेशेंस वाला काम लगेगा। हाथ तो तेरे ही। आई न्यू दैट। ओके, ये मेरा स्टाइल ऐसे बैठने का, वरना तुम में से अगर कोई नया देख रहा होगा तो सोच रहा होगा कि ये बंदा हाथ जोड़ के क्यों बैठा है। गया। शांति बुढ़ाओ। ओके, अभी आया मेरे ध्यान में थोड़ा थोड़ा। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक। रमेश को देखिए, सुरेश था कि रमेश था? बैठ जा। Beautiful sight, isn't it? Same reaction. We should open one, shouldn't we? Why not, Oh, gee. Lagao peg shag. A toast to you. कौन है कौन? बट ये कहां से बाहर आ उतरा है भाई, मतलब आया। God damn, that's nice. Yeah. लोल। वाह। अब इसके बॉडी में जा कहाँ रहा है भाई?
भाई भाई इतना मत पियो भाई, चल कैमरे को भी चढ़ रही है। तो कौन सा बेवड़ा है भाई, एक और वन मोर। इसको कैसे चढ़ गई पर? पी लेता काहे पंगे लेना, पर सही था। बट वो चूरा इसका संदेश समझ में आ रहा है तुमको, मॉरल ऑफ द स्टोरी? भाई फेंक दे, फेंक दे, ये फेंक देगा। Yeah, you old fart. Huh? That's you. Go ahead, let her rip. Huh? Let her rip. एक दे वाह, ओके मुझे लगा खत्म हो गया, फेंक दिया, पी पी कर खत्म। माँ उसी चिटा पहले पिया और पा, व्हाट द हेल, बाद में फेंक दिया भाई। आई थिंक वैसे ही फेंक दिया होगा, सोचा होगा कि थोड़ी सी बच्चे पी लेता हो बाद में, नहीं ऐसा ही होता है भाई हर बार इनका। ओके आई थिंक ओके हो गया। व्हाट ओके जब वो बंदा दारू पी के एकदम पागल हो गया था ना, तभी मैं समझ गया था कि स्टोरी का मॉरल क्या है, ठीक है, मॉरल ऑफ द स्टोरी, ये स्टोरी हमें क्या कहना चाहती है। मोस्ट ऑफ द शॉर्ट एनिमेटेड फिल्म्स जो होती है उनके पीछे कुछ ना कुछ ऐसा संदेश छुपा हुआ होता है। मैंने उसे किस नजर से देखा, जब एक बंदा होता है, मतलब दो बंदे होते हैं, दो दोस्त होते हैं, एक बंदा दूसरे दोस्त को, एक दोस्त दूसरे दोस्त को दारू की आदत लगाता है एंड वो खुद उसमें पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, बट एट ए पॉइंट एट अ सर्टन पॉइंट सामने वाले बंदे को होश आ जाता है कि भाई नहीं बस और नहीं, ठीक है, एंड वो क्या कर सकता है, वो खुद की तरफ से ऑफ हो जाता है बट सामने वाला स्टिल डिस्ट्रॉय हो जाता है। एंड ये सिचुएशन, ये इंसिडेंट हमें एक मॉरल ऑफ द स्टोरी देता है कि भाई देखो, ठीक है, रमेश की तरह हालत मत कर लो खुद की। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, वैसे मद्यपान भी बहुत हानिकारक है। एक्चुअली ट्रिमेंडस पॉसिबिलिटीज है इस स्टोरी को कंसिडरेशन में लेने की, बट मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट ये है कि भाई मद्यपान इज डेंजरस टू हेल्थ एंड उसी के विरोध में, उसी का एक मॉरल देने के लिए ये स्टोरी थी, ऐसा मेरा इसका एक समझ है मेरी। तुमने इसे किस नजरिए से देखा मुझे जरूर बताना, क्योंकि ऑब्वियसली एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म जो होती है वो ऐसे ही बनती है, हर किसी का अपना एक व्यू पॉइंट होता है। ट्रिमेंडस पॉसिबिलिटीज होती है स्टोरी को, तुम किसी भी प्रकार से ले सकते हो, एक हर किसी का एक देखने का नजरिया अलग होता है। आई डोंट नो मैंने इसी प्रकार से क्यों सोचा, मे बी मैं उन चीजों के प्रति कुछ ज्यादा ही रिसेप्टिव हूँ, रिसेप्टिव का मतलब विरोध होता है ना, आई डोंट नो, मुझे शब्दों का मतलब नहीं पता होता है बट वो शब्द अपने आप बाहर निकल आते हैं। हाँ काफी एक सही था यार ये, जब वो बंदा उसे एकदम
रेजिस्ट कर देता है एंड उसका मतलब पूरा तोड़ देता है कि भाई मैं नहीं पिएगा भाई, ठीक है तूने पी पी कर अपनी हालत खराब कर ली, मैंने भी कर ली है, कोई उसमें दो राय नहीं है, बट स्टिल नो मोर। एंड जब वो बंदा एक इतने नशे में होकर भी उसको एकदम फोड़ देता है ना, वो एक अंदरूनी आत्मा की आवाज बताती है कि वो जो एक इनर वॉइस होती है, वो तुम कितने भी पागल हो जाओ, तुम कितने भी नशे में चले जाओ, वो एक इनर वॉइस होती है ना, अगर तुम उस पर थोड़ा फोकस करो तो वो इनफ है तुम्हें उन सब चीजों से बाहर निकलने के लिए। आई थिंक ये भी वाह, मैं फिलोसॉफी या खोद खोद के निकाल रहा हूँ भाई इन सब चीजों में से। हाँ अभी क्या करे, सही बात है। ओके सो हाँ, तो मेरा ये सब कुछ इस स्टोरी के इर्द गिर्द का मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था ये कुछ इस प्रकार है जैसा मैंने तुम्हें बताया। एंड जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा, तुमने इसको किस तरीके से देखा मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, ये थोड़ा जरूरी है ठीक है, क्योंकि आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर शॉर्ट एनिमेटेड फिल्म, क्योंकि इनके पीछे काफी सारा काम होता है, इनके पीछे काफी लोगों की मेहनत होती है एंड एक काफी कुछ संदेश भी देने की कोशिश करते हैं। एंड अगर संदेश ना दे तो कम से कम एक बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स स्टोरी तो हमें रिप्रेजेंट करती ही है ये सब चीजें, ठीक है, जो शॉर्ट एनिमेटेड फिल्म्स वगैरह होती है। सो हाँ ये दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड, मिलेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में जल्द ही। मैं एकदम चिल में बैठा हूँ क्योंकि मेरा दिमाग अभी शांत हो रखा है, मैं सोच रहा हूँ उस एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म के बारे में एंड ऐसी काफी शॉर्ट फिल्म हमें और देखनी है, ठीक है। सो ये दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड, हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में जल्द ही एक और नए शॉर्ट एनिमेटेड फिल्म के साथ या फिर अमर चित्रकथा के किसी एक वीडियो के साथ। आई डोंट हैव एनी आइडिया कि हम क्या करने वाले हैं, बट देखते हैं, ठीक है, चलो गुड बाय, अच्छा कंटेंट देखते रहो एंड अगर कुछ अच्छा एनिमेटेड कंटेंट तुम्हारे सजेशन में हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, उसे भी हम देखने की कोशिश करेंगे। एंड आई होप कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा, मैं कुछ अजीब हरकतें कर रहा हूँ अभी। Okay. Goodbye. Take care. DM me. I'm waiting. Instagram के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट सेक्शन में भी है, DM करो मुझे जल्दी जल्दी। मैं ऐसी अजीब हरकतें कर रहा हूँ मुझे पता है, मैं कुछ ज्यादा ही अजीब हरकतें कर रहा हूँ मुझे पता है, मैं जा रहा हूँ। Goodbye. Peace out.